जी का हिंदी हम लेकर आया 30 क्वेश्चन। आइए चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए मासी गुप्त, ऑप्शन बी नरसिंह देव, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी महामेघवाना। सही आंसर है बी नरसिंह देव। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी बोधगया। सही आंसर है डी बोधगया। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी गुजरात में। सही आंसर है डी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक चांदी पाई जाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। सही आंसर है बी महानदी। क्वेश्चन नंबर 5, भागीरथी नदी निकलती है? ऑप्शन ए गोमुख से, ऑप्शन बी गंगोत्री से, ऑप्शन सी तपोवन से, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग से। सही आंसर है ए गोमुख से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी गोदावरी। सही आंसर है डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 7, कार्डामम हिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर है ए सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 8, नाथुला दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी हिमालय में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी मणिपुर में। सही आंसर है ए केरल में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भारत में किसके सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। सही आंसर है बी थोरियम। क्वेश्चन नंबर 10, सांची का सपूत देखने की वस्तु है? ऑप्शन ए मकबरा, ऑप्शन बी विजय स्तंभ, ऑप्शन सी मीनार, ऑप्शन डी रंगमहल। सही आंसर है बी विजय स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 11, बैल एक अंसल पशु है? ऑप्शन ए बलवान, ऑप्शन बी लंबे सींगों वाला, ऑप्शन सी मजबूत कंधों वाला, ऑप्शन डी सामान ढोने वाला। सही आंसर है सी मजबूत कंधों वाला। क्वेश्चन नंबर 12, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1790 में, ऑप्शन बी 1792 में, ऑप्शन सी 1815 में, ऑप्शन डी 1865 में। सही आंसर है ए 1790 में। क्वेश्चन नंबर 13, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए ई गार्डनर, ऑप्शन बी सर हेनिर रेमजे, ऑप्शन सी जी डब्ल्यू ट्रेल, ऑप्शन डी जे एच ब्रेडन। सही आंसर है ए ई गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 14, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी अलकापुरी, ऑप्शन सी चंपावत, ऑप्शन डी जोशीमठ। सही आंसर है डी जोशीमठ। क्वेश्चन नंबर 15, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए 1788 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1791 ईस्वी में। सही आंसर है सी 1790 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, टेरी रियासत के प्रथम राजा थे? ऑप्शन ए मानसा, ऑप्शन बी मेदिनी शाह, ऑप्शन सी सुदर्शन शाह, ऑप्शन डी यजुवेंद्र शाह। सही आंसर है सी सुदर्शन शाह। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन शैल चित्रों वाली डाकू गुफा स्थित है? ऑप्शन ए चमोली जिले में, ऑप्शन बी नैनीताल जिले में, ऑप्शन सी हरिद्वार जिले में, ऑप्शन डी अल्मोड़ा जिले में। सही आंसर है डी अल्मोड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 18, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1993 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1994 को, ऑप्शन सी 2 सितंबर 1994 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1995 को।
सही आंसर है बी 2 अक्टूबर 1994 को। क्वेश्चन नंबर 19, गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बार बैठक हुई। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2012 को, ऑप्शन बी 2 नवंबर 2012 को, ऑप्शन सी 3 नवंबर 2012 को, ऑप्शन डी 4 नवंबर 2012 को। सही आंसर है सी 3 नवंबर 2012 को। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी चमोली। सही आंसर है डी चमोली। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी मध्य हिमालय श्रेणी, ऑप्शन सी वरहत हिमालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी मध्य हिमालय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी दिल्ली। सही आंसर है सी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 23, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। ऑप्शन ए काली शारदा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी भूदोली गंगा, ऑप्शन डी सरयू। सही आंसर है डी सरयू। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन ए दूनागिरी, ऑप्शन बी डोरियारी, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? चमोली में, ऑप्शन बी टिहरी में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी में, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग में। सही आंसर है डी रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी कौसानी, ऑप्शन डी रानीखेत। सही आंसर है ए मसूरी। क्वेश्चन नंबर 27, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोपेश्वर, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी जोशीमठ, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। सही आंसर है सी जोशीमठ। क्वेश्चन नंबर 28, श्री पूर्णागिरी मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी टिहरी। सही आंसर है बी चंपावत। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी उद्धम सिंह नगर। सही आंसर है सी हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 30, 1962 के चीन युद्ध के पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी बोक्सा, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी थारू। सही आंसर है सी भोटिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।